हेलो एवरीवन, कोरोना वायरस ने दुनिया के हर देशों के इकोनॉमी का कमर तोड़ दिया है, लेकिन चाइना ने इस पेंडेमिक को कंटेन करने में बड़ी सफलता हासिल की दूसरे देशों के कंपेयर में। देखो, इसमें कई सारे सवाल भी उठे कि चीन ने पहले कोरोना वायरस फैलाया और फिर दुनिया के सारे देशों को धमकी दिया और अपने पड़ोसी देशों पर मिलिट्री प्रेशर बनाना चाहा, लेकिन क्या ये सच में मायने करता है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर देशों के लिए सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके लिए चाइना बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया को। इसलिए इतना चीन के पागलपंती के बाद भी उसका इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है। आज के वीडियो में नए रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे और सारे कारण को समझेंगे, उसके साथ भारत पे इसका क्या इफेक्ट होगा, उसके साथ यह भी जानेंगे कि रिपोर्ट में भारत का क्या जगह है। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूके बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के रिपोर्ट के हिसाब से चाइना US को पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक। इसमें खास बात यह है कि पिछले फोरकास्ट में 2032 तक यह होने का अनुमान था। ये कोरोना वायरस चीन के लिए वरदान का काम किया, 5 साल का गैप कम कर दिया नंबर वन बनने में। इंडिया तो 10 को पीछे हो गया है चाइना से। इंडिया के लिए 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का फोरकास्ट है। CEBR हर साल इकोनॉमिक लीग टेबल रिलीज करता है 26 दिसंबर को। जहां दुनिया की लगभग सारी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई 2020 में, वहीं चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव में 2% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस पेंडेमिक के बाद 2021 में इकोनॉमी तेजी से जोर पकड़ेगी और US इकोनॉमी 2022 से 2024 तक 1.8% से ग्रो करेगी, उसके बाद 1.6% से। वहीं चाइनीज इकोनॉमी 2025 तक 5.7% से ग्रो करेगी, उसके बाद 2030 तक 4.5% से ग्रो करेगी हर साल। देखो, 2010 में चाइना का जो शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में वो सिर्फ 3.6% था, जो बाद में 17.8% तक हो चुका है। अब 2023 तक चाइना एक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगा। CEBR के डिप्टी चेयरमैन डगलस मैकविलियम्स का कहना है, चीन नंबर वन बनने के पीछे ना सिर्फ कोरोना वायरस है, उसके साथ चीन का एग्रेसिव पॉलिसी जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी जिम्मेदार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भले चाइना के इंडस्ट्री पे कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है, लेकिन वह एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। रिपोर्ट में यह भी कहा कि चाइना भले ही सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन चाइनीज लोग अमेरिकन लोगों से अभी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि चीन का पॉपुलेशन 4 गुना है अमेरिका से। इंडिया को लेके यह कहा गया कि इंडिया UK को पछाड़ के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी 2019 में, लेकिन कोरोना ने फिर से इंडिया को पीछे धकेल दिया और 2024 के बाद ही UK को पीछे करने की उम्मीद है। इंडियन इकोनॉमी 2027 तक जर्मनी को पीछे करके 2030 तक जापान को भी पीछे कर देगी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। एक बड़ा सवाल जो आपके मन में बार बार आता होगा कि अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया और पूरे दुनिया पे। एक बात तो आप जानते ही हैं, पैसा बोलता है। सबसे पहले दुनिया के सोच में एक बड़ा चेंज आएगा। चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। भले मिलिट्री में चीन को 10 को लग जाएंगे US को पीछे करने में, लेकिन दुनिया का सोच में एक बड़ा बदलाव आएगा। उसके साथ चीन का करेंसी युआन धीरे धीरे डॉलर को रिप्लेस करना चालू करेगा, जिससे भारत का चीन के ऊपर डिपेंड और बढ़ते जाएगा। चीन का वैश्विक मंच पे और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा और वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आसानी से कर सकता है। उसके साथ चीन अपने पपेट पाकिस्तान का भी और ज्यादा यूज करेगा भारत के खिलाफ। भारत के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है चीन को काउंटर करने के लिए, और वो है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। तभी इंडियन इकोनॉमी चाइना को कंटेन कर पाएगा। दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए भारत और हम सबको पूरे जोर शोर से तैयार रहना पड़ेगा। खास करके हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर को, जो सिर्फ जनता को ठगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।